या आप एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट भी अच्छा खासा है, लेकिन आप चाहते हैं अच्छा एक्सपीरियंस, ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। ओप्पो रेनो सीरीज का स्मार्टफोन उन लोग यूजर्स के लिए काफी अच्छा है जो स्टाइलिश फोन चाहते हैं, साथ में बढ़िया कैमरा और प्राइस में थोड़ा मिड रेंज में। और जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब इसकी कीमत करीब 53,000 थी, लेकिन इस वक्त ओप्पो रेनो 8 5G बिक रहा है ऑनलाइन सेल्स में करीब 44,000 में, जो कि इसकी एक्चुअल लॉन्च प्राइस से काफी कम प्राइस पे बिक रहा है। इस फोन की, जैसे मैंने पहले कहा, जबरदस्त डिजाइन, शानदार कैमरा इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है, डिस्प्ले काफी अच्छा है, साथ में MediaTek के Dimensity 8100 मैक्स चिपसेट है, विच इज कंसिडर्ड डिसेंट इन दिस प्राइस रेंज। इसके साथ जो अच्छी चीज इस स्मार्टफोन के अंदर है Oppo Reno 8 के अंदर, कि ये जो है सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जो 80 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, जिससे फोन 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है और पूरा फोन चार्ज होने में घंटे भर से भी कम वक्त लगता है। तो अगर आप एक ऐसे फोन की तलाश में हैं जिसके साथ अच्छी बैटरी हो, जल्दी चार्ज हो, तो Oppo Reno 8 5G काफी अच्छा ऑप्शन है। Pixel 7 Pro की सबसे अच्छी खूबी है कि इसका कैमरा जो है उसके अंदर Google ने जो एल्गोरिदम डाला है, मैं क्या बात बताऊं, क्या फोटोग्राफ खींचता है Google Pixel 7 Pro। खास तौर पर जो एल्गोरिदम Google ने अपने कैमरे के अंदर GCam के अंदर डाला है, वो इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में कूट कूट के भरा हुआ है, साथ में ऐसे ढेरों फीचर्स के कैमरे के अंदर देखने को मिलेंगे जिससे आप बेहतरीन तस्वीरें ले पाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन काफ़ी खूबसूरत है, दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, स्टर्डी लगता है। और इस फोन में जो अच्छी चीज़ ये है कि Google का जो Tensor G2 चिपसेट इन्होंने डाला है काफी फास्ट है, बैटरी के हिसाब से काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। और पिक्सल फोन्स की जो सबसे अच्छी खूबी होती है कि गूगल का ही, चूंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है, तो सबसे पहले आपको OS अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको पिक्सल फोन्स पे देखने को मिलेंगे। तो अगर एंड्रॉयड इकोसिस्टम में आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस अगर एंड्रॉयड इकोसिस्टम का चाहिए, तो पिक्सल फोन से बेटर और कोई नहीं होता, और पिक्सल 7 प्रो इस वक्त सबसे बेस्ट है। देखिए, जब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात चल रही हो तो टशन फैक्टर, स्टाइल फैक्टर, प्रीमियम फैक्टर, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आखिर इतने लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो फ़ोन में वो बात तो होनी चाहिए कि लोगों की नज़रें आपकी तरफ घूम जाएं जब भी आप वो फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालें। एंड ये बात आप माननी पड़ेगी कि वो टशन फैक्टर के मामले में नंबर वन प्लेस पर, एक ज़माने में ये जो नंबर वन स्पॉट हुआ करता था फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में टशन के मामले में, आईफोन्स का इसमें बोलबाला हुआ करता रहा, पर आजकल पिछले 2-3 सालों से इसके ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर सैमसंग के गैलेक्सी जी फोल्ड सीरीज का बोलबाला हो गया है। जाहिर सी बात है, फोल्डेबल डिस्प्ले वाले फ़ोन दिखने में कितने ही ज़्यादा कूल लगते हैं कि आपने एक फोल्ड किया तो नॉर्मल फ़ोन बन गया, और फोल्ड अनफोल्ड कर दिया तो आपका बन गया टैबलेट कंप्यूटर। तो गैलेक्सी Z फोल्ड 4 करीब 1,44,990 रुपए से इसकी कीमत स्टार्ट होती है। बेहतरीन डिस्प्ले है, डबल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, एक आउटर डिस्प्ले जिस जो एक नॉर्मल फोन की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स, तो आपको अनफोल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती फोन को पूरी तरीके से। और एक बार आपने अनफोल्ड कर दिया तो 7 इंच का टैबलेट के फॉर्म में आ जाता है, और वो एक डिस्प्ले एक अलग है। दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का प्रोटेक्शन दिया गया है। बेहतरीन इस वक्त जो मार्केट में चिपसेट चल रहा है वो वाला स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बेहतरीन बैटरी है, बेहतरीन डिस्प्ले है, बेहतरीन कैमरा है। इनफैक्ट कैमरा काफी इंप्रूव किया है सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 4 के अंदर, वही वाला कैमरा दिया है जो इस साल के फ्लैगशिप S22 सीरीज में हमें देखने को मिला था, वही कैमरा इस बार Z फोल्ड 4 में दिया गया है। तो मतलब अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 4 से बेटर आपको फोन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ हट के स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो नथिंग फोन 1 से बेटर स्मार्टफोन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन के पीछे जो दिमाग लगा है वो बड़ा यूनिक है। OnePlus के को फाउंडर कार्ल पेई ने OnePlus से अलग होने के बाद एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था नथिंग, और नथिंग का पहला स्मार्टफोन है नथिंग 1। अब नथिंग फोन 1 जो है, इसमें जो अच्छी चीज़ ये है कि जो कार्ल पेई काफ़ी यूनिक डिज़ाइन बनाते हैं, काफ़ी यूनिक OnePlus के फ़ोन्स में भी जो काफ़ी यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनमें कार्ल पेई का दिमाग लगा था उन फ़ोन्स को डिज़ाइन करने में। तो नथिंग फ़ोन के अंदर भी कार्ल पेई की झलक नज़र आती है। इसके बैक पैनल के ऊपर जो ग्लिफ इंटरफेस है, वो LED लाइट के पैटर्न्स वाला, वो काफ़ी अलग दिखता है, इस फ़ोन को भीड़ से एकदम जुदा कर देता है इस फ़ोन को। और वो ग्लिफ इंटरफेस
बहुत बढ़िया लगेगा। और बहुत अच्छे प्राइस में स्मार्टफोन इस वक्त काफ़ी ऑनलाइन सेल्स में मिल रहा है। जब लॉन्च हुआ था तो 37,999 इस फोन की कीमत थी, लेकिन आज की तारीख में कई ऑनलाइन सेल्स में ये फोन 26,000-27,000 रुपए की कीमत में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वक्त ज़्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में जो फीचर्स बहुत ज़्यादा बहुतायत में हमें देखने को मिलते हैं, वो सभी फीचर्स आपको नथिंग फोन वन में देखने को मिलेंगे, जैसे 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, साथ में स्नैपड्रैगन 778G प्लस जैसा तेज़तर्रार चिपसेट, बढ़िया डुअल 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा लेंस, और इस तरीके के ढेरों फीचर्स आपको नथिंग फोन वन में देखने को मिलेंगे। तो ये 26,000-27,000 रुपए की प्राइस में बहुत स्वीट डील आपको देखने को मिल रही है नथिंग फोन वन में। तो ये थे वो 5 स्मार्टफोन, इनमें से आपको कौन सा पसंद है नीचे कमेंट्स में हमको बताइए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।